हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतिभा और आप देख रहे हैं क्लोज टू नेचर। मैं अपने गार्डन में काफ़ी दिनों से बहुत काम कर रही हूँ। सुबह सुबह करती हूँ 1-2 घंटा। इवन होली की छुट्टी पे सब एंजॉय कर रहे थे और मैं यही काम कर रही थी। क्या है कि आने वाली तपती धूप से इनको बचाना है, तो मैं इधर से इन सबको, यहाँ धूप बहुत तेज़ लगती है, हालांकि फिर से बारिश हो गई पर लेकिन धूप तो आने वाली है, एकदम से नहीं कर पाऊंगी, तो इधर से मैं इन्हें हटा हटा के उधर रखती हूँ। हाथ छिल जाते हैं काम तो, पर लेकिन ये पैशन है, मन करता है इसलिए करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच मैं आज एक और नया काम कर रही हूँ। ये पोर्चुला, ये मैं हैंगिंग बास्केट में इसमें लगा रही हूँ। ये पहले के लगे हुए थे जैसे मेरे, ये तो बहुत सिंपल है इनको लगाना, ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है। सिंपल सी ये तोड़कर और इसमें एक होल किया ऐसे और इसको लगा देना। हाँ, सॉयल हमें जो लेनी है वो ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉयल होनी चाहिए हमारी इसकी। जैसे देखिए, ये दूसरी एक और बास्केट के लिए मैंने तैयार करी है, तो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉयल है, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। इसमें हैंगिंग बास्केट एक और बात है कि लाइट वेट होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने उतना ही तो इसमें वर्मी कंपोस्ट, उतना ही कोकोपीट और उतनी ही गार्डन सॉयल ली है। बस यही हमको ध्यान रखना है इसमें। और अब मैं आपको एक वंडरफुल प्लांट दिखाती हूँ, ये वांडरिंग जो, देखो कितना सुंदर है। मैं इसकी ब्यूटी आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसके पत्ते हैं और बैक साइड से ये पर्पल है, तो बहुत सुंदर लगता है और इजी ग्रोइंग। इसकी बिल्कुल छोटी सी कटिंग, ये देखिए एक लिटिल से, इतनी ही कटिंग मैं लेकर आई थी और इतनी सी ही कटिंग को मैंने लगा दिया था, उसी से ये मेरा पूरा भर गया। अब मैं इसे इसमें लगाऊंगी। मैं लगा रही थी, फिर मुझे लगा कि मैं वीडियो कम बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं सोचती हूँ काम कर लूँ वरना टाइम नहीं रहेगा। फिर अब मैं हुआ कि बना लूँ, ये मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए मैं बीच में रुक गई और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। तो इसे लगाने का बिल्कुल ईजी तरीका है, इसमें हॉल करो और इसको इसमें लगा दो। ऐसे ही मैं इसके सारे लगाऊंगी। मैंने तोड़ लिए कुछ, तो इजीली टूट भी जाते हैं, थोड़े कमजोर हो जाते हैं जिनके एजेस, वो वैसे भी टूट जाते हैं, टूट टूट कर भी गिरते रहते हैं। बहुत आसान है ये टूटना, देखो कितने आराम से टूट गया। और इसको इसमें ऐसे लगा दिया, ऐसे ही मैं इसे पूरा भर दूंगी। नाउ इट्स डन। ये देखिए मेरी बास्केट तैयार हो गई। मैंने इस तरह से इसमें जो है ये लगा दिए। मैं एक बार आपको पुराना वाला अपना दिखाती हूँ, ये वांडरिंग ज्यू, देखो ये ऐसे लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर है। इनके बीच बीच में ये पत्ते सूख जाते हैं, इनको निकालते रहें, इनको साफ करते रहें और ऐसे लटकते हुए ये, और बिल्कुल इजी ग्रोइंग, कोई मेंटेनेंस है ही नहीं इसकी। एक कहते हैं लो मेंटेनेंस, बस एक पानी डालना है, वो भी बहुत कम, कुछ भी नहीं। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने इस पे लगा दिया और एक ये इस पे लगा दिया। मैंने ये ऐसे चूज़ किया है कि मेरी पर्पल बास्केट थी उस पे मैंने ये ग्रीन लगाए हैं ताकि ये लटकते हुए दिखाई दें, और ये ग्रीन बास्केट थी इस पे ये पर्पल होता है वांडरिंग ज्यू, तो मैंने ये लगाया। दोनों ही इजी ग्रोइंग, कोई मैं, इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं मेरे, इसके ऊपर पिंक फ्लावर हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। और ये तो मैंने तो ये काम कर लिया, आप भी कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ, नई खूबसूरती के साथ। जब तक के लिए बाय।